Hi Berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click the on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook, all the links in the description box. Namaste, this is Dvija aur kaise hain aap? Hum dekh rahe the Roast Masters @JokeSingh and @VipulGoyal aur yeh DMJ Highlights. I think that's my job. Do teen jan एक्चुअली लास्ट वीडियो में मेरे हैव रिकमेंडेड दिस वन सो लेट्स गो फॉर इट. ये इज बेसिकली हाईलाइट ऑफ इनका जो एपिसोड है और आई कांट रीड हर नेम सम रीजन. ओके इट्स जस्ट यूट्यूब डज नॉट शो द नेम एनी मोर लाइक हियर कौन सी चैनल है. मतलब बेसिकली हर नेम इज सू हानी समथिंग. आई एम सॉरी आई डू चेक यहाँ पर नहीं दिख रहा है. सुहानिशा या ओके. सो ये पॉडकास्ट है उसमें से हाइलाइट्स है बिकॉज टोटल पॉडकास्ट एक्चुअली वाला तो 2 घंटे से ऊपर है. ऑब्वियसली वो हम नहीं कर पाएंगे. नथिंग वी कांट इवन डू समथिंग ऑफ 1 आवर. हाफ एन आवर भी बहुत है. सो दिस इज लाइक ओके नॉट बैड. इट्स अ हाईलाइट. ऐसे दूसरा एक भी वीडियो है इन ही का और दैट वन सीज विपुल गोयल एंड निशांत तन्वर रोस्टिंग. दैट्स माई जॉब. और वो भी हाईलाइट जैसा ही है. इट्स जस्ट लाइक 12 मिनट्स. सिंस यू डिड नॉट गिव मी अ प्रॉपर वीडियो या फिर ऐसा कोई पर्टिकुलर वीडियो नहीं बोला था. आई एम जस्ट गोइंग टू चूज दिस वन विच सेज हाईलाइट. अगर वो वाला करना था द नेक्स्ट टाइम लेट मी नो विद द लिंक और द होल वीडियो का नाम तो हम कन्फ्यूज ना हो. हम वही देखें जो यू ऑल्सो वॉन्ट मी टू सी टुगेदर सम लाइक दैट. ओके मुझे नहीं पता क्या होने वाला है. उम्मीद करते हैं मज़ा आएगा और ये वीडियो जाने लायक होगा. Yeah, it's a year old video, but we never know. It's our first time trying. Chalo, umid karte hain, maza aayega. Let's not think negative. Let's go. Let's get it play. Hello, 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 hello. Okay. हेलो सुहानी जी और निशांत भाई कैसा लग रहा है आपको? फिर से वही प्रेशर फॉर नथिंग. मतलब इस बार मजा नहीं आया. सीजन 1 ठीक था. कही वन स्ट्रीम मंडर तो नहीं. हमें लगा था फैमिली मैन का सीजन 2 होगा. ये तो सीक्रेट गेम्स का सीजन 2 निकल गया. सिंस वी हैवंट सीन दिस बिफोर सुहानी ये क्या स्कैम आपने निकाला हुआ है यार. हम आगे परफॉर्म करें और पूरी शाबाशी सुहानी को. ये जो स्पॉन्सर दिख रहा मुझे यहाँ से न्यूटन आईडी देख रहा हूँ. न्यूटन साइंस में बिलीव करता था. मैजिक मैनी सुहानी जी पिछली सरकार स्कूल स्पॉन्सर होना चाहिए यार. ये वन स्ट्रीम मंडर नहीं था चार. देखो इस बार भी ये रोस्ट ही करने आया. ठीक था सेकंड हाफ में. जो एक क्वेश्चन होता है ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ वो मुझे समझ में आ गया. आप सबका पर्पस ये है कि हमें सुहानी के करियर को बहुत आगे तक सुहानी जी का करियर हिमालय की चोटी पे पहुंचना चाहिए. हमारा करियर बल्कि ग्राउंड फ्लोर से -1 पार्किंग में पहुंच जाए. ओ सिम्बा जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स है हम सबका यही पर्पस है. यूट्यूब का नाम चेंज करना है सुहानी ट्यूब से. सुहानी ट्यूब दैट्स माय जॉब. अच्छा ये तो हाइलाइट्स का भी हाइलाइट्स आई सपोज. सनी भाई डोमिनोज में काम करते ये आपने पिज्जा क्यों लगा रखा पीछे? क्या बनाया था भाई घर पे लॉकडाउन. ये भी ऐसा वाला पिज्जा लगा. कुछ मैसेज दे रहे हो पिज्जा मुझे 4 इंच का. सॉरी सॉरी मैं भूल गया था सुवानी आपके 17-18 साल के बच्चे हैं. पहले ये पूछ लेते कि इंडिया में रहते हैं. मेरे को नहीं लगता इंटरनेशनली लोग देख रहे हैं. सुवानी देख रहे हैं क्या? हेलो सुपर चैट भी आया है वो यूएस से देख रहे हैं. सुवानी जी हमें पता है आप बहुत बड़े बन चुके हो. सुवानी आपका टीवी पे एड आया वोडाफोन आइडिया का. अब एयरटेल गर्ल का करियर खत्म होने वाला है. नॉट हर ऑफ कोर्स. समझ में आ गया सुहानी जी हम ऐसी मस्ती कर रहे थे. आपने शायद हमारा पिछला एपिसोड देखा नहीं. देख नाम तो सनी वाला चंडीगढ़ के रोडीज वाला नाम है और टोपी भी पहनी है. सर अभी अपनी ये स्लीव ऊपर करके टैटू दिखा दे तो मेरा कंफर्म होने वाला है. ऐसा कुछ पूछे फूड इंडस्ट्री से? हाँ पूछो पूछो. क्या होगा दो डेयरी होंगे ना मैं डांस करूंगा आप टोपी उतारना. He's laughing director. नहीं committed हो? Yes. नहीं नहीं job को लेकर. You can ask if his profession was affected by the lockdown. सिर्फ आपका ही सही चला है सुहानी. बिचारी. सनी भाई. Yes. You are also associated with the company, right? Yes. असली नाम तो कुछ और होगा इनका. सुरेंद्र सतिंदर. असली नाम. सनी असली नाम. Like Vicky Kaushal. सनी लियोनी का भी असली नाम सनी है. Yeah. चांद भाई सनी देओल का असली नाम भी सनी नहीं है but.
यू हैव टू स्टेप आउट फ्रॉम योर होम इंडोर ये तो समझ आ रहा है कि ये अपने घर में भी और बाहर भी, मतलब क्लाइंट भी आ सकते हैं घर और ये भी जा सकते हैं। अरे अर्बन क्लैब में ये वही पे वही शर्म के हमारे बाल कटवाए ताकि हम पहचान हमने भी लियो कॉन्फिडेंस बहुत है देखो मतलब हमें भी अरे ये सही पकड़ा सही पकड़े हैं तो यहाँ तो ये कस्टमर केयर में योगा करते हैं क्या योगा भाई वर्कआउट तो करके आए हैं देखो इस नाम का आदमी वर्कआउट नहीं करे तो फिर उसको बॉबी बुलाएंगे He is on fire, okay? You can ask कि कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या कोई सर्विस आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो क्या नो आप सर्विस बेचते हो मुझे तो प्रोडक्ट सर्विस में डिफरेंस भी नहीं पता था आपने बोला था मैं भी यही सोच रहा हूँ इस इन्फॉर्मेशन का क्या करूँ आप बैंक्स में अपने क्लाइंट को हैप्पी बर्थडे विश करते हो फोन करके आप पिरामिड स्कीम में लोगों को बेवकूफ बनाते हो क्या मेरा दो बार काटा हुआ यार पिरामिड स्कीम अरे इन्होंने गुड मॉर्निंग विपुल जी नहीं बोला बस क्या आप कोई भी स्कीम बेचते हो तुम्हारी जी ने किए तो कुछ सोच समझ के बोला होगा मेरे पे मत डालो अगर नो आ गया तो मेरे पे नहीं आएगा ओके आई एम गोना पॉज जस्ट टू से कि हमने इनका कोई भी वीडियो आज तक पहले नहीं देखा है उनके वीडियोस में क्या होता है वो मुझे रेफरेंस समझ में नहीं आ रहा है अभी सिंस इट्स जस्ट हाइलाइट्स तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा ऑफ कोर्स इफ इट्स लाइक अ 3 आवर पॉडकास्ट और थोड़ा बहुत मे बी कॉन्टेक्स्ट आगे मिलेगा और ये रिकमेंड करने से पहले भी आई हैवंट गॉटन एनी कॉन्टेक्स्ट एट ऑल फ्रॉम एनी ऑफ यू बट दैट्स फाइन इसके बाद प्रॉब्ली मिल जाएगा या फिर इसके कॉमेंट्स में मिल जाएगा दैट्स फाइन वॉट एवर इट इज़ आई एम एन्जॉइंग हिज कॉमेंट्री सो मच हमने इनकी देखी हुई है राइट आई एम वेरी श्योर हमने इनका स्टैंडअप देखा हुआ है बिकॉज आई रिमेंबर द नेम विपुल गोयल सो मच हम लोग चेक करेंगे कौन सा देखा है लेटर ऑन बट आई हैव सीन इट फॉर श्योर एंड बट ही इज़ ऑन फायर हियर इट्स रियली फन बट हाँ आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि जो सनी जी के साथ कुछ जो भी हो रहा है आई थिंक इट्स समथिंग दैट दे डू यूजअली इन अनदर इन द अदर पॉडकास्ट और समथिंग अगर यू कैन लेट मी नो उसका रेफरेंस तो मेहरबानी थैंक यू सो मच प्लीज़ डू इट And if you can't, that's fine as well. We are just going back to seeing it. I'm enjoying it. Just, I'm not understanding that particular ye jo cheez ho rahi hai yahan pe. Why are they asking for service and whatever that is? I think maybe he has this Newton school. I don't know, whatever. Let's not guess. Let's just enjoy. Let's go for it. बात नहीं है हम लड़कियों के नो को यूज टू है नई बात नहीं है ऐसे ही हम 35 साल के हुए हैं अरे वो एजेंट क्या बोलते हैं यार लाइफ इंश्योरेंस ये लोगों को डरा डरा के बेचते होंगे कि तुम मरने वाले हो कुछ है क्या हाँ आप किधर जाओगे आपके बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे कभी सोचा उनके बारे में मुझे देखो मैं ज्यादा सोच रहा हूँ आपके बीवी बच्चों के बारे में क्या आप LIC चिपकाते हो yes. यार हम तो वैसे जाते हैं जहाँ पे ज्यादा जोक्स पड़ रहे वो जो अभी बोलते ताकि 4 जोक्स मार पाए हमें इस गेम से कोई लेना देना नहीं है मैं सही बता दूं सारी थी एंड यू वन बुकिंग हमारी बुरा लगा हो तो ऐसी मस्ती कर देता है मतलब हम अच्छे आदमी हैं आपका थोड़ा सा लिकर का प्रॉब्लम ठीक हो जाए बस ये देख ले भाई मैं कॉफी लेके बैठा हूँ यार ये देख ले देख अभी तुम बोलोगे ओल्ड बॉन्क है ओल्ड बॉन्क ही है मैं बोला इतना कॉन्फिडेंस से बोलने से कॉफी नहीं बन जाएगी मैंने हल्दी दूध की फोटो डाली उस पे भी कमेंट आया बेवकूफ मत बना पीना कुलाड़ा है But does he have any like obsession, like addiction? कैसा कुछ? रफी शेरगिल कॉलेज में कैसा था? मुल्ला की जान। गले में क्या ये मेरे को दिखने की रख लिया? पूरी स्टार कास्ट बन जाती है। अच्छा ओह। केसरी मूवी में थे। I was in that movie. म्यूजिक से पूछ लो म्यूजिक में फिर अपन फिर वैसे जाएंगे क्या भांगड़ा रैप रैप है कुछ सिंगिंग से रिलेटेड है सिंगर नहीं है तो लिरिक्स पे जाइए इंस्ट्रूमेंट भी तो प्ले करते हैं जब तक इन्होंने दिखाया नहीं मैंने इसलिए पूछा ऐसा लग रहा था गिटारी लेके बैठे यूके ले लू लगा मुझे कुछ होता है ना यूके ले लू क्या होता है मुझे भी नहीं पता यार अभी मेरे को ओके ले लू अभी जो शाहरुख ने बजाया था DDLJ में ऐसे वही बजाया अच्छा ओके म्यूजिक से रिलेटेड हो जाओगे बैठ की जगह आप कुछ बजाते हो वो भी नहीं है गाते हो वो भी नहीं है लिखते हो वो भी नहीं है सुनने का काम है क्या प्रोफेशनल यू कैन आस्क इफ इट इज अ कन्वेंशन मैं करती हूं जॉब या आपको लग रहा है कि टेक्निकल जॉब थैंक यू सो मच आप नहीं होते तो क्या होता हमारा यार सच है वाली जी मैं आया है आपके लिए थैंक यू सो मच मैं तो सुखविंदर के लिए आया हूँ तो मिक्सिंग मास्टरिंग या म्यूजिक का पेटर वेटर ऊपर करता है म्यूजिक का चेहरे पे जो नूर है सुखविंदर बाजी के 4-5 राइट स्वाइप तो एक टाइम पे होते हैं इनके हाँ मुझे लग रहा है क्लब हाउस में शूट और शॉट्स इन्होंने मचा रखा है वहाँ हाँ मैं एक ही बार गया था उसके बाद बिल्कुल नहीं गया अब यही बोलते हैं हम भी कभी नहीं गए थाईलैंड स्टेज पे जाने का काम है क्या लाइटमैन
सुबह चाटे एक बार निशान भाई को बोलो इस पे उन्होंने स्टैंड अप का एक सेट लिखा है। डीजे ईडीएम 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 मतलब बाबू कैन यू हियर मी ऐसे नहीं पूरा यार ये दोनों कभी नहीं यूज करते राइट मेरे बिना गोवा रियूनियन हो रहा है और गौहर भाई भी आए 5 मिनट के लिए बुला दे बुलाओ भाई बुलाओ ऑफिस कैसे बात बनी मेरे को एक कंप्लेंट आपसे अभी तो आप मेरी बात पूरी हो जाए आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए आए हो आज जितने जो मेरे पे हुए एक भी कंटेस्टेंट पे उसके आधे के आधे भी नहीं हुए अगर अगले वाले पे मेरे से दुगना नहीं होते तो क्या कर ले मैं कुछ कर तो नहीं लूंगा बट फिर भी तो आप स्वाणी की स्ट्रीम पे नहीं आओगे वो तो अपना अलग का कनेक्शन है तो पर विपुल भाई सच बताइए वो थर्मस और बॉटल के बाजू में बैट वाला बॉटल है भी या नहीं सच बताइए ये है मिनरल बॉटल ठीक है ये है आइस क्यूब ये है सोडा सबका रेफरेंस नहीं मिल रहा है आपको सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड देखना जरूरी है मेरा ही अगला एपिसोड देखना मेरा ही पिछला देखना मेरा ही आज वाला भी थोड़ा राइडर ओपी और मेरे चैनल का नाम ले ले थोड़ा ये यूट्यूब पे इस चैनल से है इनका भी देख लो थोड़ा गौहर भाई थैंक यू सो मच भाई मेरा डर ये है कि अगला वोडाफोन आइडिया का ऐड मत करना उन्हें मना कर देना मेरे पास डेट्स नहीं है मेरे को तो दीवार का डिजाइन देखना है इंटीरियर डिजाइनर तो नहीं होना चाहिए तो इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटर्नशिप चल रही है एसी वाला डिजाइन यहाँ पे एसी लगेगा है मतलब एसी का वो कंप्रेसर दिखाओ आपको क्या उसके घर में रहना है निशान भाई को मुझे लग रहा है लड़की दे रही है इनको इतनी जानकारी आप फ्रीलांसर हो यस यस आप इंडोर ही काम करते हो खुद के घर पे नहीं करता हूँ दूसरे के घर पे कर कोई एक तो अर्बन क्लब वाला तो हो ही सकता है पर अर्बन भाई दूसरा चोरी अगर प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन के बाद में इस लुक में टोपी वोपी लेके तो फिर ये पॉर्न स्टार है वो वाला फिर ये वो वाला प्लम्बर है भाई ये इतना रिच प्लम्बर तो मेरे को लग नहीं रहा है मतलब ये मेरे घर पे आकर मैं बोलूंगा आप रुक जाओ चाय पियो मैं वॉश मशीन करती हूं आपको हमारा घर छोटा तो नहीं लग रहा है सनी सिंस इन द चैट सनी सिंस आप पेमेंट लेते हो या इन काइंड ही लेते हो एक भी चीज पे इरिटेट नहीं हुआ मेडिटेशन टीचर कहीं मेडिटेशन या भगवान वाली लाइन या कुछ ऐसे कन्वर्ट वगैरह करते हो क्या कुछ तो ऐसा काम एंड कंपोज तो आपने सही पकड़ा है सही पकड़ा यार मुझे लग रहा है कि डेयर ले ही लेते हैं भी वेस्ट होगा जो भी आपका काम है उसमें एजुकेशन इम्पोर्टेंट है आई एम गेटिंग व्हाट द रेफरेंस इज बेसिकली अबाउट नाउ इनकी मस्ती चल रही है करियर में पर्टिकुलर एज ग्रुप से कोई वो है लेना देना पकड़ भी सकते हो आप लोग अब लग रहा है ना सनी के सकता इनको अब सनी का रंग बदल रहे हैं निशान भाई आई थिंक यू शुड फाइंड द एज ग्रुप एंड देन फोकस ऑन दैट इज इट रिलेटेड टू ओल्ड पीपल नो वो क्या होते हैं जो बेबी सिटर बच्चों के साथ खेलते हैं बेबी सिटर वही तो किड्स तो हो गए वो बट बेबी कितना बड़ा है अपना 10 साल से बेबी को लेके या जो एज ग्रुप रिलेटेड है काम आपका बच्चे हैं किड जोन बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको हां फिसल पट्टी ले रहे हैं बच्चे वो डे केयर जैसा कुछ बर्थडे पे हायर करते हैं बच्चों को बिजी रखने के लिए ताकि मां-बाप वाइन पी पाए आराम से किड्स मतलब छोटे बच्चे तो अरे बेबी और किड अलग है यार 10 साल से नीचे वाले 5 साल से नीचे ऐसा देखना तो आप 10 मत करो 5 करो मेरे लिए क्योंकि किड्स वो ऊपर में आ गया 5 ही मत करो आप 4 या 3 कर दो 5 साल से नीचे करते ना एक बार नहीं मान लो आप मुझे तब से इग्नोर कर रहे हो निशान भाई यार मैं भी IIT बॉम्बे से थोड़ी एनालिटिकल स्किल है मेरे में यहाँ पे भी थोड़ी लॉजिक की बात आती है सुहानी आपसे ही बात करी मेरे को फुल इग्नोर कर रही है ये बच्चों से करने वाला है क्या 4 साल के नीचे है ये बच्चे नो सर ये लो मैं बोल रहा था आपको इग्नोर कर रहे हो बॉम्बे से थोड़ी एनालिटिकल स्किल है मेरे में बेबी सिटर हो सर आप बेबी सिटर सॉरी निशान भाई मेरा IIT में सेकंड अटेम्प्ट हुआ था तो अगर आपने ये कर लिया आई विल डू द डे
मेरा डर है स्ट्रीमिंग बंद करो नहीं ऐसे डर नहीं देते ना फिर मैं आपको सीजन 3 में कैसे बुलाऊंगी ये तो सब कर सकते हैं यार एक्शन विपुल और निशा भाई आप भी कर सकते हो लेट्स डू दिस हम इसलिए थोड़ी जीते हैं कि हमें ये करना पड़े यार बचने के लिए तो हमने गेस किया था यार इसका आप ये भी करवा रहे हो अरे पर ये तो फन है ना चलो ठीक है ओके उन्होंने मजाक बनाते हैं लोगों से पैसे लेते हैं और आप यही हमसे करवा रहे हो जीतने के बाद ये क्या है यार मतलब निशांत भाई आप ये स्ट्रीम देख पाओगे दोबारा वापस ये हरकत आपकी कोई काम नहीं छोड़ा कोई काम नहीं Oh man. Is it over the highlights? Yeah. Well, I really enjoyed it. जिन्होंने भी recommend किया था thank you so much. I laughed a lot. Yes, मुझे सिर्फ वो reference थोड़ा बहुत ज़्यादा पता चले that will be even more fun to watch, obviously. But That's fine. I mean, I'm not complaining in any way possible. Start में थोड़ा सिर्फ 3-4 मिनट में तो कुछ इतना समझ में नहीं आया था but I get it के वो लोग I don't know किसको invite करते but they invite people and then you have to guess their job. I don't know कि हर बार same sequence होता है कि नहीं but that's what they were doing here. And while that is happening, they make the jokes and they make witty comments and that was amazing. That's what I got to know इतना देख के फिर पता नहीं ऐसा है कि नहीं but I enjoyed it. I really really loved it. I really really enjoyed it. होप यू enjoyed it as well जिन्होंने रिकमेंड किया था जैसे मैंने बोला ऐसा दो ऐसे हाईलाइट्स जैसे वीडियोस थे सो इफ़ यू वांट वी कैन डू द सेकंड वन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है अपलोड करने में या फिर ऐसा कुछ तो आई एम मोर देन डाउन टू डू दिस आई रियली एन्जॉय इट आई वेल फॉर वॉट्स इंपॉर्टेंट इज आपको भी मज़ा आ रहा है कि नहीं आई शुडन जस्ट बी लाइक मी एंड टू पीपल वॉचिंग और एस आई कैन वॉच इट फॉर माई सेल्फ सो फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट वन मुझे तो मज़ा आया आई होप यू डिड टू एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम बाय बाय लव यू